प्रचार इतना प्रभावपूर्ण तरीके से जिंदगी में प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में आदमी विचार करना ही भूल जाता है। साथियों, आज का जो समय है, हम पूरी तरीके से प्रचार से घिरे हुए हैं। जहाँ भी देखिए वहाँ पे विज्ञापन दिखता है। मोबाइल खोलेंगे वहाँ पे आपको विज्ञापन नज़र आएगा, टीवी रेडियो खोलेंगे वहाँ पे विज्ञापन नज़र आएगा, मार्केट में जाएंगे बड़े बड़े होल्डिंग के द्वारा आपको प्रचार विज्ञापन नज़र आएगा, आगे रास्ते पे चलेंगे दीवारों पे आपको विज्ञापन नज़र आएगा। यानी साथियों, आज के डेट में हम पूरी तरीके से विज्ञापन से घिर चुके हैं, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। और विज्ञापन में जो चीज़ें बार 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 देखेंगे और वही चीज़ अपने जीवन में डिमांड करेंगे। तो साथियों, आज विज्ञापन कैसे फैलाया जाता है, क्यों हमारे आँख के सामने बार बार उसको लाया जाता है, क्योंकि प्रचार के चक्कर, प्रचार इतना प्रभावपूर्ण तरीके से हमारे ज़िंदगी में प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में हम विचार करना ही भूल जाते हैं। तो साथियों, आइए इसी के ऊपर एक आपको कहानी बताते हैं, कैसे प्रचार होता है, कैसे लोग प्रचार के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति की नाक किसी कारण से कट गई, और नाक कट गई वो व्यक्ति छुपा नहीं सकता, कहीं उसको ढक नहीं सकता, और जब भी गाँव में जाए, लोगों के बीच में जाए, लोग उसको नकटे चाचा के नाम से बुलाते थे, नकटे भैया के नाम से बुलाते थे, जिसके जो लगते थे रिलेशन में, रिलेशन के साथ साथ नकटे जरूर जोड़ देते थे। नकटे चाचा प्रणाम, नकटे भाई साहब नमस्कार, नकटे बाबा जी प्रणाम। अब वो व्यक्ति बार बार सुनते सुनते पूरी तरीके से उब गया था। नकटे 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 उसके नाम से संबोधन किया जाता था, और उस व्यक्ति के विचार में, दिमाग में एक विचार चला कि अब मैं बाबा बन जाता हूँ। और वह व्यक्ति बाबा का रूप लेकर के एक जगह स्थान लगा करके बैठ गया, और वहाँ भी बहुत सारे लोग आना जाना चालू कर दिए, उनके शिष्य बनना चालू कर दिए, और वहाँ भी उनकी जो प्रसिद्धि थी वो नकटे बाबा के नाम से ही होने लगी। नकटे बाबा आए हुए हैं, नकटे बाबा के यहाँ चलना है, नकटे बाबा को दिखा लीजिए, नकटे बाबा राम राम, नकटे बाबा प्रणाम। नकटे नकटे सुनते सुनते वो व्यक्ति उब गए थे, लेकिन क्या कर सकते थे। लोग बार बार उनसे पूछते थे, बाबा जी आपकी नाक कैसे कटी, बाबा जी आप कैसे इस रूप में आ गए। तो एक व्यक्ति बड़ी सीरियस होकर के बाबा जी से पूछना चाहे, बाबा जी थोड़ा बता दीजिए कि आपकी नाक कटी कैसे। कहा, बेटा ये बहुत रहस्य की बात है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। कह, नहीं नहीं बाबा जी बता दीजिए कि आपकी नाक कटी कैसे। कह, ऐसा जब तुम जानना ही चाहते हो तो कल सुबह सुबह मेरे पास आ जाना। और वह जो शिष्य था बहुत बेचैन था कि बाबा जी की नाक कैसे कटी, इसको जानना है मेरे को। और वह अगले दिन भागे भागे गया, बाबा जी का प्रणाम किया। कहे, बाबा जी प्रणाम, बताइए आपकी नाक कैसे कटी। कहे, देखो बेटा ये बहुत रहस्य की बात है, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं विवश होकर के बता देता हूँ। एक बार की बात है, मैं रात में सोया था और अचानक मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, साक्षात सपने में आए और बोले कि बेटा बता मेरे लिए तू क्या कर सकता है। मैं तुरंत बोला, प्रभु मैं आपके लिए गर्दन कटा सकता हूँ। तुरंत भगवान ने कहा, नहीं 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 बेटा, गर्दन तुम्हें नहीं कटानी है, यदि तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अपनी नाक काट लो, यदि नाक काट लोगे तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। देखिए मेरे सामने भगवान बैठे हैं, भगवान प्रणाम हमेशा दर्शन देते रहते हैं, हमेशा हमारे आगे पीछे रहते हैं, और तब से आज तक दर्शन देते आ रहे हैं। और एक चीज़ और बोले भगवान कि तुम जिसकी नाक काट दोगे उसे भी मैं दर्शन दूंगा, और तब से मैं भगवान के बराबर दर्शन करता हूँ, और आज हमारे आगे पीछे भगवान बराबर मौजूद रहते हैं, और मैं धन्य हो गया। अब वह शिष्य सुनते सुनते बोला, बाबा जी दर्शन मुझे भी करना है। कहा, नहीं नहीं आपको दर्शन करने की क्या ज़रूरत है, आपको दर्शन करने की क्या ज़रूरत है। कहा, नहीं भगवान मैं दर्शन करूँगा। कहें, दर्शन करेंगे तो फिर तो नाक कटनी पड़ेगी। कह, अरे नाक जाए तो जाए, हमें भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। और वह व्यक्ति जो है अपनी नाक कटा लिया, नाक कटाते ही कहा कि अब मैं दर्शन करूंगा। जो ही आँख खोला, दर्शन करना चाहा, कोई भी सामने नहीं दिखा, तुरंत बाबा जी से कहा, अरे बाबा जी मुझे तो दर्शन नहीं दे रहे हैं। तुरंत बाबा ने उत्तर दिया कि बेटा दर्शन तो मुझे भी नहीं दे रहे हैं, मैं अकेले सुन सुन के परेशान हो गया था, अब कम से कम दो लोग तो हो गए, दो लोगों की नाक तो कट गई, अब यह दो लोग मिल करके और लोगों को बताना चालू किए। और साथियों धीरे 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 लोगों का जमावड़ा चालू हो गया। लोग यही सोचते थे कि भीड़ जिधर जा रही है वो सत्य ही होगा,
जिनकी नाक कट जा रही उन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को बता नहीं रहा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाक कटने के बाद सारे लोग यही कर रहे हैं, हाँ हाँ भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और धीरे धीरे साथियों हजारों की संख्या में लोगों के नाक कट गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को बताने को तैयार नहीं है। और सिलसिला आगे बढ़ा, धीरे धीरे लाखों में संख्या पहुंच गई, चारों तरफ नाक कटे वाले लोगों का जमावड़ा खड़ा हो गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, कोई भी बताना नहीं चाह रहा है कि मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हैं। सब लोग यही कह रहा है नाक कटने के बाद कि भगवान मेरे को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और साथियों धीरे धीरे उसमें एक ऐसे विचार वाले व्यक्ति का भी नाक कटा जो आशावादी था, सकारात्मक सोच का था, लोगों के हित में विचार रखता था, उसकी भी नाक कटी। लेकिन नाक कटने के बाद वो कहा कि नहीं नहीं अभी सच्चाई को मैं उजागर करूंगा, मैं लोगों के सामने लाऊंगा, उस विज्ञापन से लोगों को मैं दूर करूंगा, जो उस विज्ञापन के दुनिया में जो लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उनसे मैं लोगों को बचाऊंगा। और उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि अब मैं लोगों के नाक नहीं कटने दूंगा, और वह सच्चाई को साथियों लोगों के बीच में सामने लाने का प्रयास किया। और आज हमारे बीच में यही हो रहा है, इस विज्ञापन भरी दुनिया में जहाँ नज़र दौड़ाओ वहाँ पे विज्ञापन होता है, टीवी पोस्टर बैनर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, रेडियो पोस्टर, होल्डिंग बोल्डिंग, बड़े बड़े दीवारों पे जिधर भी नज़र दौड़ाओ उधर सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आता है। इस चकाचौंध भरी दुनिया से लोगों को बचाने का यदि कोई काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग उस विज्ञापन से लोगों को खींच के बाहर लाने का काम कर रहे हैं। यदि आप भी विज्ञापन से लोगों को बचाना चाहते हैं, नकली चीज़ों से लोगों को बचाना चाहते हैं, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, लोगों को सकारात्मक करना चाहते हैं, तो उस भीड़ के हिस्से से बाहर निकलिए, उस झूठे के विज्ञापन से बाहर निकलिए और लोगों को हकीकत में बताइए। और डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लेकर के साथियों लोगों को जगाने का काम करिए, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व का विषय होगा कि हम लोगों को सकारात्मक करेंगे, लोगों को जगाएंगे। तो सिर्फ हमें विज्ञापन के चक्कर में नहीं पड़ना है, लोगों को बचाने के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।